यूपी के रामपुर में अल्पसंख्यक कल्याण एवं सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि किन्नर भी हमारे परिवार और हमारे समाज का हिस्सा हैं, सभी को इनकी मदद करनी चाहिए। रामपुर के टांडा स्थित पृथ्वी वैकेंट हॉल में अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन संबोधित देश भर से जुटे किन्नर सम्मेलन का राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कहा कि किन्नर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, समाज के हर वर्ग के लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। यही किन्नर बच्चे के जन्म के दौरान बधाई देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा हरिओम मौर्य ने भी संबोधित किया। मुन्नी किन्नर नायक ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को सम्मानित भी किया, साथ ही राज्य मंत्री को मुकुट पहनाकर स्वागत किया। अल्पसंख्यक कल्याण व सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन है और मेरी जानकारी में आया है कि ये हर साल ये राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, कोई जगह बदल रही। इस बार इन्होंने हमारे रामपुर में टांडा तहसील में किया है और पार्टी के लोगों ने आग्रह किया था कि सम्मेलन में शिरकत करनी है। मैं सम्मेलन में आया हूँ क्योंकि ये जो किन्नर समाज है ये भी अपने ही समाज के बीच का परिवार है और किसी न किसी उसमें ये हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है और हमेशा खुशी की कामना करता है और खुशियों में ही इनका जाना आना रहता है। तो इसलिए हमने समझा कि इस लोगों ने सम्मेलन बुलाया है, मैं सम्मेलन में आया। अच्छा लगा कि समाज इनकी मदद करनी से और ये सम्मेलन होगा, यहाँ पर कोई भी किसी चीज की दिक्कत ना हो। मेरे सामने दादा है, मैं फिर से भी बोलूँगा इस समाज को अपने कार्यक्रम बहुत धूमधाम से और अपने बेहतर तरीके से कार्यक्रम को करें, जो पार्टी का जो हम लोगों का सहयोग जो हम लोगों का आप कोई बात कहेंगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे और मैं हमेशा आपका आदर सम्मान हम लोग करते हैं क्योंकि आप हमेशा लोगों के सुनवाई मांगते हैं।